यहाँ पे YouTube पे मैंने वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे बोया का ये वायरलेस माइक जो आता है ये मैंने ऑर्डर किया हुआ है और फिलहाल मैं उससे ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इस माइक के बारे में रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसा ये माइक है, कितना ज़्यादा वर्क करता है, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है हैवी ट्रैफिक में अगर आप होते हैं तो वॉइस रिकॉर्डिंग कैसी होती है, कितने डिस्टेंस तक ये माइक आपकी साउंड को कैप्चर कर सकता है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी अनबॉक्सिंग से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं इस माइक का परफॉर्मेंस कि ये माइक कितना ज़्यादा यूजफुल आपके लिए यहाँ पे होने वाला है। तो Amazon से मुझे कुछ एक ऐसा बॉक्स मिलता है तो जल्दी से एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो देख लेते हैं कि बॉक्स कंटेंट आपको क्या क्या मिलता है, उसके बाद रियल टेस्ट करेंगे कि ये कितना नॉइज कैंसिल करता है और माइक की क्वालिटी कैसी है, साउंड वगैरह कैसे रिकॉर्ड करता है और कितने डिस्टेंस तक रिकॉर्ड करता है ये भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये ट्रांसमीटर रखा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे मेन हमारे यूनिट मिलता है माइक, जिसमें इसको आप रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक यूएसबी सी केबल मिलता है जो कि चार्जिंग के लिए है। अब इसको मैं पहले सेटअप कर लेता हूं, उसके बाद माइक की क्वालिटी देखते हैं कि कैसी निकल कर आती है। अभी मैंने यहाँ पे माइक को ऑन करके रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अभी मतलब आप समझिए कि तकरीबन 10 मीटर के आसपास डिस्टेंस में हूँगा, 10 मीटर। अब मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ और देखते हैं कि कितने दूर तक ये हमारी साउंड को यहाँ पे कैप्चर करता है। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये माइक का डिस्टेंस मतलब कितना दूर तक ये कवर कर सकता है, कितने दूर तक आप इस माइक का यूज़ करके अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं दूर जाते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, आप मतलब समझिए कि तकरीबन 30-40 मीटर के आसपास के डिस्टेंस में मैं हूँगा। अब इससे पीछे क्या ही जा सकता हूँ, अब उसके पीछे उधर खाई है, जंप करना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, आपको इतने दूर तक में समझ आ गया होगा कि कितने दूर के एरिया तक आप इस माइक को यूज़ कर सकते हैं, साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, साउंड डिस्टॉर्शन होता है या फिर नहीं, मतलब कनेक्टिविटी में थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं और साउंड कट रही है या फिर नहीं, ये सब आपको समझ आया होगा। अब रही बात, तो आप थोड़ा सा वीडियो में वेट करिए, मैं आपको रियल ट्रैफिक साउंड में ये माइक कैसा वर्क करता है ये भी आपको दिखाने वाला हूँ और आपका देख के दिल खुश हो जाएगा ऐसी टेस्टिंग को, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिए और वहाँ पे पूरे का पूरे एकदम हैवी ट्रैफिक जो साउंड होता है ना उसमें हम टेस्ट करेंगे इसका नॉइज़ कैंसिलेशन और माइक का साउंड क्वालिटी कि कैसा रिकॉर्ड करता है। थोड़ा सा वेट करिए, आगे का मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फैन वैन का साउंड क्या रहा, यहाँ पे मैं आपको आगे यहाँ पे जो टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ उससे तो फैन का साउंड क्या ही होगा। वैसे अगर आपको ऐसी बात रही तो मैं यहाँ पे फैन ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे फैन अभी ऑन हो रहा है और आपको अगर फैन की आवाज़ सुननी है तो आप यहाँ पे ठीक है। तो फैन वगैरह का साउंड से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पे जो टेस्टिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ एकदम रियल ट्रैफिक साउंड जो होता है उसमें नॉइज़ कितना ज़्यादा कैंसिल होता है उससे आपको समझ आएगा। यहाँ पे अभी रही बात कि फ़ैन की यहाँ पे साउंड वगैरह आ रही होगी हवा की, तो यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन को इनेबल करते हैं और अब आप सुन सकते हैं। यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन इनेबल करने के बाद ये हवा वगैरह की साउंड यहाँ पे माइक जो है वो कैप्चर करता है या फिर नहीं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पे मैं आपको रियल ट्रैफिक साउंड में कितना ज़्यादा ये वर्क करता है वो आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने आउटडोर में आपको दिखा दिया कि ये माइक कितने डिस्टेंस तक आपकी वॉइस को कैप्चर कर सकता है, कितने दूर तक ये इफेक्टिव है और कैसी साउंड क्वालिटी आती है वो भी आपने यहाँ पे देख लिया। अब ट्रैफिक साउंड वगैरह भी आपने बाहर में सुना, उतनी ज़्यादा आपको अच्छे तरीके सुनाई नहीं दी होगी, लेकिन मैं यहाँ पे अब अपने रूम में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आपको रियल टेस्ट दिखाने वाला हूँ कि अगर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ हो, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक में अगर आप आउटसाइड में हैं, बाहर में कहीं पे हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस माइक का यूज़ करके, तो ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है यहाँ पे इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू लाइट जल रही है, इसका मतलब यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन को मैंने इनेबल करके नहीं रखा हुआ है और मैंने यहाँ पे अपने रूम में पहले से होम थिएटर को सेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम थिएटर पहले सेट है, यहाँ पे
5.1 वाला है होम थिएटर, तो मैंने यहाँ पे 5 स्पीकर यहाँ पे पहले से सेट करके रखे हुए हैं। तो ये 5 स्पीकर में मैं यहाँ पे रियल जो मतलब ट्रैफिक का साउंड होता है वो यहाँ पे मैं प्ले करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ। यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा हाई साउंड में यहाँ पे ट्रैफिक साउंड को प्ले करेंगे और देखेंगे कि अगर आप रियल में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक में होते हैं तो कितना ज़्यादा नॉइज़ ये कैंसिल करता है, कितना ज़्यादा ये माइक इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा यूज़फुल है, आपको इस वीडियो को देखकर समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे साउंड को प्ले करते हैं। मैंने यहाँ पे साउंड को प्ले कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो जो है वो प्ले हो रही है, आपको बैकग्राउंड में साउंड भी आ रही होगी। मैं यहाँ पे पहले चुप हो जाता हूँ, आप सुनिए कि बैकग्राउंड से कितनी ज़्यादा साउंड आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने नॉइस कैंसिलेशन को इनेबल नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब नॉइस कैंसिलेशन को इनेबल करते हैं और देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा नॉइस कैंसिल करता है और कितनी ज़्यादा हमारे आवाज़ पे फोकस करता है वो भी सुनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट चालू हो चुकी है, जल चुकी है। अब यहाँ पे आप साउंड सुन पा रहे होंगे कि बैकग्राउंड में कितनी ज़्यादा नॉइज़ आ रही है और ये कितना ज़्यादा कैंसिल कर रहा है आपकी नॉइज़ को, बैकग्राउंड की नॉइज़ को, और कितना ज़्यादा साउंड आपका फोकस में है वो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। रियल सिनेरियो में यहाँ पे आप समझिए कि इससे ज़्यादा साउंड क्या ही होगा। अभी सही मायने में बोलिए तो अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो भी मैं यहाँ पे सुन नहीं पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा साउंड है। ठीक है, तो इतना तो ट्रैफिक में अगर आप होते हैं तो इतनी ज़्यादा साउंड तो नहीं आती है, बहुत ही ज़्यादा साउंड है यहाँ पे, तो कितना ज़्यादा नॉइज़ कैंसिल हो रहा है वो आप सुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वापस से नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ करते हैं। ब्लू लाइट जल चुकी है, नॉइज़ कैंसिलेशन बंद हो चुका है, अब आप सुनिए। ठीक है, तो आपने सुना यहाँ पे कि ये कितना ज़्यादा ये माइक जो है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर कितना ज़्यादा नहीं, वो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। अब रही बात कि क्या ये आपको माइक बाइक करना चाहिए या फिर नहीं बाइक करना चाहिए, तो ये साउंड क्वालिटी आप सुनकर जज कर सकते हैं। अब रही बात कि मेरे ओपिनियन के बारे में, तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि आप डेफिनेटली इस माइक को बाइक कर सकते हैं। इतने सस्ते रेंज में 2500 रुपये में आपको क्या ही मिलने वाला है, तो ये 2500 रुपये के हिसाब से ये माइक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आपको प्रीमियम बाइक करने की कोई जरूरत नहीं है, रोड वगैरह के माइक के ऊपर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका इतने में काम चल जाएगा अगर आप बिगनर है तो। अगर आप बहुत ही ज्यादा अर्निंग वगैरह कर रहे हैं यूट्यूब से तब तो आप जितनी मर्जी चाहे उतनी ज्यादा खर्चा करिए, लेकिन स्टार्टिंग के लिए बिगनर के लिए ये शुरू में ठीक है। और मैंने इसको बाय किया हुआ है, अब मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करने वाला हूं और मुझे ये फिलहाल माइक बहुत ही ज्यादा पसंद आया, तो मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करूंगा आपको। ठीक है, तो बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, रिकमेंड करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।